हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू देने वाली हूँ बुक का, जो कि है बायोलॉजी बुक एनसीईआरटी क्लास 12। तो ये बुक का मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। एनसीईआरटी बुक है ये, और क्लास 12th का है ये, बायोलॉजी बुक है। तो ये जो बुक जो है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो, या फिर एनआईयूएस हो, नॉस हो, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर नीट और एम्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। 11th और 12th का जो भी सिलेबस होता है वो हमारे नीट एग्ज़ामिनेशन में आता है या फिर एम्स के हमें आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं वो इसी बुक से अपना तैयारी करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स बायोलॉजी बुक। आइए हम देखते हैं कि ये बुक कैसा है। तो मैं इस बुक को ओपन करती हूँ तो हमें दिखाई देता है कि ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसको डिवाइड किया गया है 5 यूनिट में, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, और 5 यूनिट जो होता है वो नीट एग्जामिनेशन का जो होता है सिलेबस में वो आता है 11th के चैप्टर्स से। तो पहला यूनिट है इसमें रिप्रोडक्शन, सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, थर्ड यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, और फिफ्थ यूनिट है इकोलॉजी। तो ये सारे चैप्टर्स भी डिवाइड किए हुए हैं। तो एनसीईआरटी का मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छा से बनाया हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ये नीट एग्जामिनेशन में आपसे पूछता भी है फ्रेंड्स कि कौन सा पार्ट डायग्राम का क्या है क्या नहीं है, और आपको लेबल इसमें करना होता है। इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक पार्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है, और अच्छे से इसमें ब्लैक से लिखा भी हुआ है जो जो इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर्स इसमें थोड़े बड़े हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये चीज़ क्या है। कोई भी चीज़ में आपको डाउट नहीं रहेगा कि क्या चीज़ क्या है क्या चीज़ नहीं है। इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो कि आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ ही जाएगा। चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद जो है इसमें आपको समरी है, समरी आपको इस पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है वो एक शॉर्ट में आपको बताया गया है, लेकिन आप फुल में भी पढ़िएगा और शॉर्ट में समझने के लिए पढ़िएगा। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज़ क्या है। उसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए गए हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं, ये सब बोर्ड्स के लिए है ठीक है, ये सब बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं। और मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अभी नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, नीट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आपको अच्छे से कुछ कुछ चैप्टर्स में, ये चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का ही है, अच्छे से ग्राफ वगैरह भी एक्सप्लेन किया। और ये बुक मैं अभी अमेज़ॉन से ख़रीदी हूँ, आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप अमेज़ॉन पे ख़रीद सकते हैं। एनसीईआरटी पे ऐसे डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अमेज़ॉन बहुत अच्छा कंपनी है, उससे आप ख़रीदिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक में दे दूंगी अमेज़ॉन का, तो उससे आप परचेज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।